अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवन, हाउ आर यू टू ऑल? आई होप यू आर फाइन। प्लीज ओपन योर ज्योग्राफी बुक्स, चैप्टर नंबर सेवन, पेज नंबर 56, पेज नंबर 56, चैप्टर नंबर 5। द चैप्टर नेम इज एटमोस्फेरिक प्रेशर and wind. Today we are going to learn about atmospheric pressure and wind. Let's start reading. Air pressure is responsible for the movement of clouds. Air pressure is responsible for the movement of clouds. It means कि हवा का जो pressure होता है उससे cloud मूव करते हैं। आपने अक्सर स्काई में पर देखा होगा कि क्लाउड्स आते हैं और इनकी मूवमेंट चल रही होती है। दिस मूवमेंट इज ड्यू टू एयर प्रेशर। एयर हैज़ वेट एंड इट एक्सर्ट प्रेशर। हवा की जो वेट होता है और ये एक प्रेशर डिक्रीज करता है, इसे एक प्रेशर भी होता है, यानी हवा वेट भी रखती है और इसका प्रेशर भी होता है। This means that it is presses down on everything. The earth is surrounded by an envelope of air. इसका मतलब है कि हवा क्या करती है, हर चीज़ को प्रेस डाउन करती है और ये एक तरह का हमारी ज़मीन का, अर्थ का एक envelope है, यानी the earth is surrounded by an envelope of air. अर्थ एक इन्वेलप में लिपटी हुई है, हवा के इन्वेलप में लिपटी हुई है। द वेट ऑफ द एयर अबव कंप्रेसेस द एयर बिलो टाइटर एंड टाइटर। हवा का जो वेट है वो कंप्रेस होती जाती है और टाइटर से टाइटर होती जाती है जैसे ही वो नीचे होती है, यानी अबव उसका कंप्रेसर क्या होता है, वेट होता है और जैसे ही वो हवा देन बिलो एयर विल टाइटर एंड टाइटर। एटमोस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स विद विच एयर प्रेसेस डाउन ऑन एवरीथिंग ऑन द अर्थ सरफेस। एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या है कि एक फोर्स है जो कि हवा का प्रेशर हर चीज़ को प्रेस डाउन करता जाता है जो भी ज़मीन की सतह पर होती है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको कहते हैं, ये एक फोर्स है जो कि ज़मीन की सतह पे हर चीज़ को प्रेस डाउन करती है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीडे वेदर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी रोज़मर्रा के वेदर में। विंड्स फॉर्मेशन, जैसे कि विंड्स फॉर्मेशन एंड मूवमेंट ऑफ साइक्लोन्स एंड द मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स ऑल कम अबाउट बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेदर में कि विंड्स यानी हवाएं चलती हैं, फॉर्मेशन एंड मूवमेंट ऑफ साइक्लोन्स यानी साइक्लोन्स आपने देखे होंगे, जैसे आपने अक्सर कार्टून्स में या मूवीज़ में देखा होगा कि हवा एक गोल गोल चक्कर से बिल्कुल ऐसे तेज़ी से चलती है जैसे वो आसमान की तरफ उठती चली जाती है, उसको साइक्लोन्स कहते हैं। इतनी तेज़ हवा होती है कि उसके प्रेशर में जो भी चीज़ आती चली जाएगी वो अपनी उसको लपेट में ले लेती है, जैसे ट्रीज़ होते हैं वो उनको जड़ों तक से भी उखाड़ सकते हैं, ये साइक्लोन इतनी तेज़ चलते हैं। तो इसमें इस साइक्लोन्स में जितनी भी चीज़ें आती चली जाती हैं वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय होती चली जाती हैं। ठीक है, तो विंड्स फॉर्मेशन एंड मूवमेंट ऑफ साइक्लोन्स एंड द मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स ऑल कम अबाउट बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। ये सब किसकी वजह से होता है, एयर प्रेशर की वजह से, यानी विंड्स का चलना, मूवमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स
मूवमेंट्स ऑफ क्लाउड्स, ये सब एयर प्रेशर की वजह से है। एयर प्रेशर डिक्रीज एज वी ट्रेवल अपवर्ड, एयर प्रेशर डिक्रीज होता है जैसे ही हम अपवर्ड ट्रेवल करते हैं इन टू द एटमोसफियर, एंड इंक्रीज एज वी ट्रेवल टूवर्ड अर्थ, और इंक्रीज होता है जैसे ही हम अर्थ के टूवर्ड यानी नीचे की तरफ ट्रेवल करते हैं, तो एयर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब हम अपवर्ड ट्रेवल करते हैं तो एयर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। नाउ टर्न योर पेज, सेक्शन नंबर 1, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टुडेज टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन अ यूनिट एरिया। नाउ दे आर टेलिंग अबाउट द एयर प्रेशर, डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। They are telling about the pressure. The definition of pressure is, pressure can be defined as a force that is applied on a unit area. Pressure क्या है? एक as a force, इसको कहा जा सकता है कि एक तरह की force है जो कि एक unit area पर apply की जाती है। यानी pressure क्या है? Force है जो एक unit area पर apply की जाती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द टोटल वेट ऑफ एटमॉस्फेयर। और फिर उन्होंने कहा कि जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड। अब वो एटमॉस्फेरिक, पहले उन्होंने प्रेशर की डेफिनेशन बताई कि वो एक फोर्स है जो किसी भी एक एरिया पर अप्लाई की जाती है, और अब वो बता रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है is the total weight of atmosphere, they include gases and water vapors। यानी atmospheric pressure में कौन कौन सी चीज़ें include हैं, gases और water vapors, इनकी जो weight होता है उसको क्या कहते हैं, atmospheric pressure। Then they are telling about pressing down on the surface of the earth, यानी atmospheric pressure क्या हुआ कि टोटल वेट है गैसेस और वेपर का जो कि ज़मीन के सरफेस को प्रेस डाउन करती है, उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ द नेक्स्ट, एट सी लेवल अ कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर जनरली एक्सर्ट एन एवरेज प्रेशर ऑफ अबाउट 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर। वो कह रहे हैं कि अगर आप ये उसको मेजर करने का, यानी कि जो हमारा टॉपिक है कि किसी भी जगह पर ये किसी भी चीज़ जगह पर प्रेशर को मेजर कैसे किया जाता है, एयर प्रेशर को, ठीक है, तो वो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि सी लेवल पर, एट सी लेवल अ कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर जनरली एक्सर्ट एन एवरेज प्रेशर ऑफ अबाउट 1 किलोग्राम पर यूनिट पर स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि सी लेवल पर कितना प्रेशर होता है, 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसको क्या कहा जाता है, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। इफ मोर एयर गैसेस इंक्रीज एज वेट द प्रेशर बिकम हायर, एंड इफ द वेट ऑफ द एयर डिक्रीज द प्रेशर बिकम लोअर। यानी ऑपोजिट होगा, जैसे ही एयर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वेट उसका, इफ मोर गैसेस इंक्रीज द वेट द प्रेशर बिकम हायर। यानी अगर एयर के जो वेट होगा, गैसेस का वेट होगा, वो इंक्रीज करेगा तो प्रेशर बिकम हायर, और अगर वेट डिक्रीज होगा तो प्रेशर बिकम लोअर। Cool air sinks and increase the pressure, whereas warm causes air to rise. यानी जैसे ही हवा ठंडी होगी तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जबकि जो वार्म एयर होगी वो क्या होगा, उसका प्रेशर क्या होगा, लोअर होगा, यानी ऑपोजिट होगा। This is why the air pressure on mountain is lower than it is at sea level. इसी तरह वो कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि माउंटेन पर जो एयर प्रेशर है वो कम होता है इसके कंपेयर
सी लेवल के कंपेयर, ठीक है। सी लेवल पर जो हवाएं हैं वो ज़्यादा चलती हैं, जबकि माउंटेन्स पर एयर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, लेकिन सी लेवल पर एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। अनलाइकली अदर एलिमेंट्स ऑफ वेदर सच एज टेम्परेचर, रेनफॉल एट्सेट्रा, वी आर नॉट यूजली कंक्लूड कॉन्शियस ऑफ प्रेशर, यूजली कॉन्शियस ऑफ प्रेशर। अनलाइक अदर एलिमेंट्स ऑफ वेदर सच एज टेम्परेचर, रेनफॉल एट्सेट्रा, वी आर नॉट यूजली कॉन्शियस ऑफ प्रेशर, इनको हम प्रेशर में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। हाउएवर वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ विंड विच इज़ जनरेटेड बिकॉज ऑफ चेंजिंग प्रेशर। हमें ये अच्छी तरह पता है कि जो भी हवा चलती है वो क्या जनरेट करती है, एयर प्रेशर, और फिर वो एयर प्रेशर चेंज भी होता है, ठीक है। यानी माउंटेन एरियाज पर एयर प्रेशर कम होता है और सी लेवल पर ज़्यादा होता है। इसी तरह उनको मेजर करने का भी यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि जो एयर प्रेशर है वो 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर वो क्या कहलाती है, 1 atmosphere। अंडरस्टैंड, दिस इज़ योर टुडेज टॉपिक, सो यू हैव टू लर्न दिस टॉपिक एंड अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ वर्ड्स, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस चैप्टर ओनली फॉर द MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। प्लीज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड राइट एट लीस्ट 10 शॉर्ट लाइन्स और MCQs, और यू कैन मेक 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अल्लाह हाफिज़।